दुनिया में ऐसी कोई भी मंजिल नहीं है जहां तक पहुंचने का कोई भी रास्ता ना हो। हर मंजिल तक पहुंचने का एक रास्ता जरूर होता है, बस आपको सही गाइडेंस की जरूरत है उस रास्ते तक पहुंचने की। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में से करेंगे हम 24 अगस्त के सभी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर पर। और ये आज की वीडियो में टोटल हम 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका टेस्ट भी आएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की PDF भी मिल जाएगी। और देखिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन पेपर के सही उत्तरों की। देखिए, क्वेश्चन पेपर का पहला प्रश्न था कि इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, यानी कि आतंकवाद से पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 21 अगस्त। और दूसरा था कि संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का वर्चुअली आयोजन जो है ये किस तिथि को किया गया। तो देखिए, इसका आयोजन किया गया था 19 से 20 अगस्त तक। और तीसरा था कि हाल ही में किस व्यक्ति को DBS बैंक इंडिया लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर और राष्ट्रीय वितरण प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं प्रशांत जोशी जी। और चौथा था कि केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्री कौन है वर्तमान में। तो देखिए, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। और पांचवा था भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार हैं। तो देखिए, विराट कोहली दूसरे स्थान पर बरकरार हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाज यानी कि बैट्समैन की सूची में। और आज के रेंडर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने अपनी स्थानीय रूप से निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सोलेमानी को लॉन्च किया है। तो देखिए, ये देश आपका ईरान है, जिसने अभी हाल ही में शहीद कासिम सोलेमानी नाम का एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया है। और इस मिसाइल की क्या खासियत है, देखिए जो आपका ये शहीद कासिम सोलेमानी नामक जो है ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो है सतह से सतह पर यानी कि सरफेस टू सरफेस पर जो है मार करने वाला एक बैलिस्टिक मिसाइल है। और इस मिसाइल का मारक क्षमता है 1400 किलोमीटर, यानी कि ये 1400 किलोमीटर दूर स्थित अपने किसी भी टारगेट को नष्ट करने में सक्षम है। और देखिए, इसके साथ ही ईरान ने एक और मिसाइल लॉन्च किया है और ये मिसाइल आपका एक क्रूज मिसाइल है। देखिए, अभी हाल ही में देखिए अमेरिका ने ईरान पर कहा था, भैया तुम पर हम प्रतिबंध लगाते हैं, तुम मिसाइल का जो कार्यक्रम है इसको तुरंत रोक दो। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान ने जो है अपने मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इसने अभी हाल ही में इसी बीच शहीद कासिम सोलेमानी नामक एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया। और इसके साथ में इसने जो है एक 1000 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता वाली शहीद अबू महदी नामक एक नई क्रूज मिसाइल को भी लॉन्च किया है। तो इन दोनों मिसाइलों का नाम रखिएगा, पहला मिसाइल है शहीद कासिम सोलेमानी और दूसरा है शहीद अबू महदी। ठीक है, ये जो है एक क्रूज मिसाइल है और शहीद कासिम सोलेमानी जो है ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये दोनों मिसाइलें किसकी हैं, ईरान की हैं। देखिए, ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख सोलेमानी और ईरानी कमांडर अबू महदी अल मुहांडिस जो है ये अमेरिकी हमले में मारे गए थे। तो इसके बाद से जो आपका ईरान है काफ़ी बौखलाया हुआ है और इन्हीं दोनों व्यक्तियों के नाम पर इसने अभी हाल ही में दो मिसाइल बना डाले। तो ये याद रखना आपको कि ये दोनों मिसाइल यानी कि जो आपका शहीद कासिम सोलेमानी मिसाइल और शहीद अबू महदी मिसाइल जो है ये किस देश का मिसाइल है, ईरान का। इसने अभी हाल ही में मतलब ईरान ने अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया है। और देखिए, ईरान की थोड़ा सा हम लोकेशन देख लेते हैं, ईरान कहाँ पर है। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं जो आपका ईरान है ये मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है। और यहाँ पे देखिए जो आपका ये पीला वाला पार्ट दिख रहा है पूरा का पूरा, ठीक है, ये आपका ईरान है। और जो आपकी ईरान की राजधानी तेहरान है ये कुछ इस स्थान पे लोकेटेड है ईरान में। देखिए, ईरान के बारे में एक सबसे खास बात है, देखिए ईरान का जो आपका देखिए कोई भी मैप अगर हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से हम डायरेक्शन देखते हैं, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका होता है साउथ, और ये आपका होता है ईस्ट, और ये आपका होता है वेस्ट। ठीक है, यानी कि उत्तर दक्षिण और ये आपका पूर्व और ये पश्चिम। तो देखिए, अगर हम जो है ईरान के उत्तर में देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कैस्पियन सी, और कैस्पियन सी देखिए इसके बगल में तुर्कमेनिस्तान। देखिए, एग्ज़ाम में भी एक प्रश्न पूछा गया था कि जो आपका कैस्पियन सी है ये किन किन देशों से लगा हुआ है। तो कैस्पियन सी लगा हुआ है ईरान से, तुर्कमेनिस्तान से, बगल में देखिए यहाँ पर अजरबैजान, ठीक है, तो अजरबैजान से लगा हुआ है। और देखिए, जो आपका ईरान है तो ईरान के दूसरे साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा है गल्फ ऑफ ओमान और यहाँ पे पर्शियन गल्फ। और ईरान जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टर्की, और यहाँ पे आपको ऊपर मैप में देखिए ये आपका आप दिख रहा है अजरबैजान, और ये थोड़ा सा आर्मेनिया जो अपनी सीमा बना रहा है, और इधर आपका इराक जो है ये आपका ईरान से अपनी सीमा शेयर कर रहा है। ठीक है,
तो ईरान की बाउंड्री याद रखेगा। और ईरान जो है, यहाँ की करेंसी है ईरानी रियाल, और प्रेसिडेंट है यहाँ के हसन रूहानी। दूसरा प्रश्न है कि भारत किस पड़ोसी देश के लिए एक सीधी नौका सेवा शुरू करने जा रहा है। तो देखिए, भारत जो है अपने पड़ोसी देश मालदीव के लिए एक सीधी नौका सेवा, यानी कि नाव वाली सेवा, जिससे माल ढुलाई करेंगे हम, तो इस सेवा को शुरू करने जा रहा है। और देखिए, ये प्रश्न जो है एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भी, लेकिन ये भारत देश के लिए एक सामरिक महत्व वाला नौका सेवा होगा। क्यों होगा? देखिए, आपको बता दूं, मालदीव में भारतीय उच्चायोग के अनुसार भारत जो ये सितंबर के तीसरे सप्ताह में जो है मालदीव के लिए एक नई सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू करने जा रहा है। और ये सेवा जो है ये कोच्चि और तूतीकोरन को माले से जोड़ेगी। देखिए, यहाँ पे तीन नाम आपको दिखे हैं, पहला कोच्चि, दूसरा तूतीकोरन और तीसरा माले। ये तीनों प्लेसेस कहाँ पे हैं मैं आपको मैप में लोकेट करा देता हूँ, इसको याद रखना है। ये तीनों प्लेसेस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए मैप में चलते हैं। देखिए, आपका इंडिया का मैप है। देखिए, इंडिया का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, तो इंडिया का ये दक्षिणतम बिंदु है मैप वाला। और यहाँ पे आपको एक राज्य दिख रहा है, ये बाउंड्रीज दिख रही हैं, ये आपका केरल राज्य है। और केरल में जो है आपका कोची पोर्ट स्थित है, जिसको कोचीन भी हम कहते हैं। और थोड़ा सा और नीचे आते हैं, देखिए इधर वाला जो ये पार्ट दिख रहा है इंडिया के मैप का, ये आपका है तूतीकोरन और सॉरी तमिलनाडु। और तमिलनाडु में आपका यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट दिख रहा है आपका है तूतीकोरन बंदरगाह। तो कोची पोर्ट आपका केरल में स्थित है और तूतीकोरन बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु में। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और दूसरे मैप में थोड़ा सा हम चलते हैं। देखिए, ये आपका इंडिया का मैप है और मैंने आपको बताया कोची पोर्ट आपका यहाँ पे केरल में स्थित है और कुछ इस स्थान पे तूतीकोरन स्थित है। और मालदीव कहाँ पर स्थित है? देखिए, मैप को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। देखिए, जो आपका मालदीव है कुछ इस स्थान पे आपका लोकेटेड है, ठीक है। तो मालदीव की जो राजधानी माले है, तो इन दोनों प्लेसेस से यहाँ के लिए जो है हम सीधे कार्गो, ये जो आपका पानी वाला जहाज है कार्गो जहाज, ठीक है, उसको भेजेंगे। उसमें माल वगैरह हम सप्लाई करेंगे किसको? मालदीव को। तो ये मैप में थोड़ा सा आप डायरेक्शन याद रखिएगा, ये बहुत ही सुविधाजनक होगा आपके आगामी परीक्षा के लिए। देखिए, आपको बता दूं, ये सेवा जो है ये कोच्चि और तूतीकोरन को माले से जोड़ेगी और द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को बढ़ावा देगी। और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसके द्वारा संचालित एक जहाज नौका सेवा के लिए उपयोग किया जाएगा, ठीक है। तो कोच्चि पोर्ट आपका केरल में स्थित है और तूतीकोरन पोर्ट कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। यहाँ से जो है हम कहाँ भेजेंगे अपना माल? हम अपना माल भेजेंगे मालदीव के माले में, ठीक है। देखिए, मालदीव जो आपका द्वीपीय देश है, ये बिल्कुल चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। देखिए, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, इसे मिलकर आपका मालदीव बना हुआ है। और तीसरा प्रश्न है कि कौन सी भारतीय बिजली कंपनी अपने नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है? तो देखिए, जो आपका NTPC है, तो NTPC जो है ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए अपने पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी स्थापित करने जा रही है। देखिए, जो आपका NTPC है, इसने हाल ही में पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के गठन के लिए नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। देखिए, जो आपका NTPC है, इसकी स्थापना 1975 में की गई थी, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और ये जो है भारत सरकार के अंतर्गत काम करने वाली एक कंपनी है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस अंतरिक्ष मिशन ने चंद्रमा की कक्षा में 1 साल पूरा कर लिया है? तो देखिए, 1 साल पूरा किया है चंद्रयान 2 ने। देखिए, चंद्रयान 2 को पिछले साल लॉन्च किया गया था और इसने जो है 20 अगस्त को चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर लिया था और इसको टोटल अब 1 साल पूरे हो गए हैं। देखिए, आपको बता दूं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने 20 अगस्त को कहा कि भारत के दूसरे चंद्र अभियान, जिसका नाम चंद्रयान 2 है, इसने चंद्रमा की कक्षा में 1 वर्ष पूरा कर लिया है। और इसरो ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि जो आपका चंद्रयान 2 है, ये 7 और वर्षों तक जो है चालू रखने के लिए इसमें ईंधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। यानी कि ये जो है 7 सालों तक और जो है चंद्रमा की जो जितने भी मतलब चीज़ें होंगी, वहाँ पर रिपोर्ट्स होंगी, वहाँ पर जो जैसे भी क्लाइमेट का जो भी है, मतलब पानी की व्यवस्था वहाँ पे कैसी है, या फिर पानी है कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कौन कौन सी गैसेस पाई जा रही हैं, या फिर टेम्परेचर वहाँ पे कितना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पृथ्वी पर भेजेगा। और ये स्पेशली भारत ने लॉन्च किया, तो भारत को ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस चंद्रयान 2 से। और पाँचवा प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ मिलकर मुक्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है? तो देखिए, आपको बता दूं, ये कंपनी है IBM, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। तो जो आपका IBM है, ये एक अमेरिकन कंपनी है और अभी हाल ही में जो आपकी ये IBM कंपनी है, इसने
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ जो है मिलकर मुफ्त डिजिटल कौशल प्रशिक्षण की पेशकश की है। और देखिए ये प्रशिक्षण जो है ये साइबर सुरक्षा, ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग और व्यावसायिक विकास कौशल जैसी नवीनतम तकनीकों पर केंद्रित है। देखिए जो आपका IBM है इसके द्वारा विकसित जो आपका ये ऑनलाइन पाठ्यक्रम होगा ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के ई स्किल इंडिया पोर्टल के माध्यम से जितने भी 18 से 22 वर्ष के शिक्षार्थी होंगे उनको प्रदान किया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। और अब बात कर लेते हैं हम IBM के बारे में और NSDC यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में। देखिए आपको आपका जो ये नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना इसकी 2008 में हुई थी। और IBM जो है IBM के CEO हैं वर्तमान में अरविंद कृष्णा। और इसकी स्थापना 16 जून 1911 में हुई थी। और IBM का मुख्यालय है अमेरिका के न्यूयॉर्क में। छठा प्रश्न है कि हाल ही में किसने COVID-19 से जुड़ा द कोरोना फाइटर्स नाम का जो है एक गेम लॉन्च किया है। तो देखिए इस कोरोना फाइटर्स गेम को लॉन्च किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने, भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। और देखिए जो आपका ये द कोरोना फाइटर्स गेम है ठीक है, तो इसको वास्तविक दुनिया में लोगों के कार्य को प्रभावित करने, उन्हें सही सावधानी बरतने एवं संक्रमण से बचने की याद दिलाने के लक्ष्य के साथ डिज़ाइन किया गया है। और इस तरह ये गेम जो है ये लोगों को COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए सही उपकरण एवं व्यवहार सिखाने का एक नया एवं बेहद रचनात्मक तरीका भी होगा। तो ये डिटेल शेयर करेगा द कोरोना फाइटर्स गेम के बारे में। और सातवां प्रश्न कि हाल ही में भारत ने आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक की किस क्रम की गोलमेज बैठक में भाग लिया। तो देखिए ये क्रम था छठवां। देखिए जो आपका ये आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक है तो इसकी स्थापना भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन जिसका नाम आसियान है, तो आसियान के मध्य सहयोग के भविष्यगामी निर्देशों पर नीतिगत इनपुट प्रदान करने के लिए किया गया था। और देखिए जो आपका आसियान है इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को मलेशिया में की गई थी। मुख्यालय इसका इंडोनेशिया की जकार्ता में है। आठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस व्यक्ति को इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए जो आपका इथियोपिया देश है जिसको हम इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य कहते हैं, तो यहाँ पर जो है भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं श्री रॉबर्ट सेटकीटांग। और देखिए जो आपका इथियोपिया देश है इसके बारे में मैं आपको बहुत ही विशेष चीज़ बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका इथियोपिया है जो आपका ईस्ट अफ्रीका में स्थित है, ईस्ट यानी कि पूर्वी अफ्रीका में स्थित है ये लोकेशन आपका है इथियोपिया का। और देखिए इथियोपिया की कैपिटल है अदीस अबाबा, करेंसी यहाँ की है इथियोपियन बिर और यहाँ की पॉपुलेशन है 10.92 करोड़। और देखिए इस थोड़ा सा मैप को हम जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जो ये मैप दिख रहा है पीला वाला पार्ट ठीक है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका का मैप है। और यहाँ पे एक सींग की तरह का जो संरचना दिख रहा है ये आपका है हॉर्न ऑफ अफ्रीका ठीक है। देखिए इसको हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं क्योंकि ये जो सींग वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ठीक है, इसको थोड़ा सा मतलब इसीलिए अंग्रेजी में इसको हॉर्न कहा जाता है, तो इसीलिए इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। तो इसी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाले सिरे पर स्थित आपका इथियोपिया। और देखिए नवा प्रश्न आपका है कि आपसी हित के मामलों पर चर्चा करने और सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला जो है 18 से 19 अगस्त 2020 तक किस देश की यात्रा पर थे। तो देखिए जो आपके श्री हर्षवर्धन श्रृंगला हैं जो कि भारत के वर्तमान में विदेश सचिव हैं, ये जो है 18 से 19 अगस्त 2020 तक जो है बांग्लादेश की यात्रा पर थे। देखिए आपको बता दूँ विदेश सचिव बनने के बाद हर्षवर्धन श्रृंगला की ये दूसरी बांग्लादेश की यात्रा थी, ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी क्रम एग्जाम में पूछ लेता है। देखिए आपको बता दूँ जो आपके श्री हर्षवर्धन श्रृंगला हैं ये इससे पहले मार्च महीने में बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। और देखिए जो आपके श्री हर्षवर्धन श्रृंगला हैं तो इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री यानी कि जो आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना उनसे मुलाकात की, बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमिन से मुलाकात की और इन्होंने अपने समकक्ष यानी कि जो बांग्लादेश के विदेश सचिव हैं मसूद बिन मोमिन उनसे भी मुलाकात की। तो ये तीनों पदाधिकारी जो बांग्लादेश के इनका नाम याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं भारत के विदेश सचिव श्री हर्षवर्धन श्रृंगला की, ये 18 से 19 अगस्त 2020 तक बांग्लादेश यात्रा पर थे, ये आपको याद रखना है। और दसवां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेलवे के किस जोन ने रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का ट्रायल रन किया। तो देखिए भारतीय रेलवे का ये जोन आपका है दक्षिण रेलवे। और देखिए यहाँ पे एक टर्म दिख रहा है रोल ऑन रोल ऑफ, ये क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे आपको एक फोटो जी दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ट्रेन पे ट्रक लदे हुए हैं,
ठीक है, थोड़ा सा आश्चर्य में मत पड़िएगा। देखिए आपको बता दूं, जो आपका रोल ऑन रोल आप सेवा है, इसके माध्यम से जो ट्रक होंगे अब उनको ट्रेन में लादा जाएगा। अगर मान लीजिए हमें मुंबई से गोवा तक कोई माल पहुंचाना है, तो ये आपका मुंबई है, तो मुंबई में हम ट्रेन में इन ट्रकों को ला देंगे, और इन ट्रकों में माल लदा होगा, जैसे कि फल या फिर जो भी चीज़ें लदी होंगी, ठीक है। तो उनको हम मुंबई से, सॉरी, यहाँ से आपका जो मुंबई है, ठीक है, तो मुंबई से गोवा में हम इसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। और देखिए यहाँ से ये ट्रक वापस जो है खाली नहीं आएंगे, इनमें फिर से माल भरा जाएगा, वहाँ से जो भी चीज़ें मंगाना चाहते हैं, और इन्हीं ट्रकों में ला दिया जाएगा। फिर यही ट्रक जो है फिर पहुँचेंगे कहाँ पे, गोवा से बम्बई। तो ये ट्रेन के माध्यम से सप्लाई होगी, और इससे क्या होगा, जो आपके ट्रक हैं इनका समय बचेगा, क्योंकि ये देखिए रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारी जगहों पर इनको ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है, तो ट्रैफिक और बहुत सारी नियम कानून हैं, यानी कि टोल टैक्स वगैरह हैं, इन सबसे इनको जो है निजात मिलेगी, और ये सही समय से जो है अपनी डिलीवरी पूरी करेंगे। तो ये आपका है रोल ऑन रोल आप सेवा। और देखिए आप बताऊँ, जो आपका दक्षिण रेलवे जोन है, इसने हाल ही में जो आपका पलक्कड़ डिवीजन है, ठीक है, तो केरल के पलक्कड़ डिवीजन के टोकूर शोरानूर खंड में इस रोल ऑन रोल आप सेवा का परीक्षण किया है। और देखिए आप बताऊँ, जो आपका ये साउदर्न रेलवे यानी कि दक्षिण रेलवे जोन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, इसका मुख्यालय स्थित है चेन्नई में। ये चीज़ पता होना चाहिए अगर आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए है कि हाल ही में किस राज्य की छतरपुर पुलिस के द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान शुरू किया गया, इसका उत्तर बताइए। और जो लोग वीडियो को लाइक करना भूल गए हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, और अधिक से अधिक लाइक कीजिए, और 2000 लाइक पहुँचा दीजिए आज इस वीडियो पर। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड जल संकट को हल करने के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ साझेदारी की है, उत्तर बताइए। और तीसरा प्रश्न आपके लिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 में कितने लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आंसर बताइए। चौथा कि भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने, आंसर बताइए। पांचवा कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है, उत्तर बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करेंट अफेयर सेशन समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे। कल के करेंट अफेयर वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।